हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ कुछ ब्लाउजेस शेयर करने वाली हूँ जो कि आप इस फेस्टिवल में यूज कर सकते हैं। अगर आपने साड़ी खरीद ली, अगर आपका ब्लाउज नहीं बन पा रहा है या आपको स्टिच नहीं करवाना है, स्टिचिंग इतनी ज्यादा हो गई है, तो उससे अच्छा तो जो रेडीमेड ब्लाउजेस आजकल मीशो अमेजोन वगैरह पे मिल रहे हैं ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे, एक तो डिजाइनर पीस होते हैं, और दूसरी चीज ये है कि जितना हम स्टिचिंग देते हैं ना, उसके आधे का जो है हमारा ब्लाउज बना बनाया मिल जा रहा है। तो हम क्यों फालतू में इतना ज्यादा पैसा भी और टाइम भी खराब करें। तो चलिए कुछ ऐसे ही रिकमेंडेशंस तो मैं आपको देने वाली हूँ जो कि आप करवा चौथ, दिवाली और नवरात्रि में यूज कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यस, हमारा फर्स्ट ब्लाउज है ये, जो कि मैंने, इसमें पैड भी लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छा पैडिंग है इसकी। इसको मैंने अभी एक साड़ी हॉल शेयर किया था करवा चौथ के लिए, उसमें मैंने पहना था, ठीक है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी इसमें मैं एक ट्राई ऑन जो है वो लगा दूंगी। ये कुछ इस तरीके का ब्लाउज है, नीचे इसके ये लगे हुए हैं, इसे क्या बोलते हैं, टेसल्स बोलते हैं, पॉम पॉम बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, ये लगे हुए, बहुत ही सुंदर लुक आता है। और ये जो है बैक हुक वाला है, ये देखिए, एक मिनट रुकिए, ये कुछ इस तरीके का है। नीचे जो है 4 से 5 हुक लगे हुए हैं, डीप नेक है, ठीक है। मैं ऊपर का भी हुक लगा के फिर आपको दिखाती हूँ, इससे आपको नेक जो है वो अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए, इस तरीके का है, डीप नेक है बैक में, बाकी फ्रंट में जो है इस तरीके का स्वीट हार्ट नेक है, ठीक है, बहुत ही सुंदर है। इसमें पैडिंग की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, आप इसको खरीद सकते हैं, ठीक है। और जो भी मैंने ब्लाउज मंगाए हैं सब अंडर 500 ही है, कोई 300, कोई 400, कोई मतलब इस तरीके का ही है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ब्लाउज हो गया ये। ये फैब्रिक जो है वो वेलवेट है, बहुत ही ज्यादा किसी भी साड़ी के साथ आप इसका, हाँ, इसके कलर ऑप्शंस भी बहुत ज्यादा, आप जो है चेक कर सकते हैं। मैं इसका लिंक या कोड जो भी होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो जरूर चेक करिएगा, ठीक है। इसमें रेड, ग्रीन, मरून, पर्पल, बहुत सारे कलर्स हैं। तो ये हो गया हमारा पहला ब्लाउज। सेकेंड ब्लाउज है हमारा ये भी बहुत ही ज्यादा सुंदर ब्लाउज है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। ये देखिए, इसमें भी बहुत सारे कलर्स हैं, 3-4 स्लीव्स हैं इसकी, ठीक है। इसका बैक जो है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, इसमें बैक में हुक है, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का नेक है, ऊपर यहाँ पे 2 हुक लगे हुए हैं, ठीक है, बीच में ये शेप दिया हुआ है, ये कुछ सर्कल है, सर्कल टाइप का ही है। बाकी नीचे जो है यहाँ पे भी ये पहले तो हुक दी है, ऊपर से ये बो की डिजाइन दी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, ये हुक है, यहाँ से आराम से आप खोल के पहन सकते हैं, ऊपर से बो जो दे दिया है, जिससे कि इसका जो लुक है और भी ज्यादा अच्छा लगने लग गया है। तो आप ये ब्लाउज भी खरीद सकते हैं, और इसमें भी बहुत सारे कलर ऑप्शन है, ठीक है। इसमें भी ग्रीन भी है, रेड भी है, और ये देखिए यहाँ पे जो सितारे और जो क्या बोलते हैं इसको, वो वर्क किया हुआ है, बहुत ही ज्यादा सुंदर। इसका फ्रंट वाला जो जो नेक है वो बहुत ज्यादा सुंदर है, बहुत ज्यादा डीप नहीं है। ये कुछ जो फ्रंट का जो इसका लुक है वो कुछ सव्यसाची टाइप का है, बट उनका क्या होता है, जो नेक है फ्रंट का बहुत ही ज्यादा डीप होता है, बट ये बहुत ही ज्यादा डीप नहीं है, इसको आप आराम से पहन सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए, नीचे से जो है ये कट दिया हुआ है, और ये ऊपर फिर इस तरीके का डिजाइन है, ठीक है। मैं इसको अभी पहन के दिखाऊंगी, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। थर्ड ब्लाउज है हमारा ये भी बहुत ही ज्यादा सुंदर ब्लाउज है, बहुत बहुत सुंदर। ये भी पैडेड है,
ठीक है। इसके पैर की क्वालिटी भी बढ़िया है। ये अगर आप एक है ब्रांड बामस, अगर बामस से लेते हैं, सेम डिजाइन है, सेम पैटर्न है, बस क्वालिटी में डिफरेंस होता है, तो वो आपको पड़ेगा ऑलमोस्ट 2-2.5 हजार के समथिंग का, ठीक है। उसका भी मैं लिंक दे दूंगी, अगर आपको क्वालिटी वगैरह थोड़ा सा रहता है तो आप वो खरीद सकते हैं। बाकी ये मैंने मीशो से लिया था, इसकी भी क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मैं इसको बहुत बार बहुत साड़ियों के साथ पहन चुकी हूँ, ठीक है। प्राइस वाइज बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। यहाँ पे इसको देखिए, ये गोल्डन थ्रेड वर्क किया हुआ है, थ्रेड वर्क ही बोलते हैं ना शायद, और यहाँ पे ये ओरिजिनल मिरर लगे हुए हैं, ठीक है। इसका भी जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगी। ये फ्रंट में कुछ इसका नेक ऐसा है, बैक में इसका नेक कुछ ऐसा सा है, ठीक है। पीछे ही इसके हुक लगे हुए हैं, और पहनने से इसका लुक बहुत ही ज्यादा अच्छा आता है। इसको आप रेड साड़ी के साथ, ग्रीन साड़ी के साथ, गोल्डन साड़ी के साथ कैरी कर सकते हैं, और इसका लुक बहुत ही सुंदर निकल के आता है। मैंने इसको बहुत बार पहना है, ग्रीन साड़ी के साथ भी मैंने इसको पहना है, और रेड साड़ी के साथ भी मैंने इसको पहना है। तो इसका पीक या जो भी वीडियो होगी वो मैं जो है साइड में या फिर बाद में इसके लगा दूंगी, या मैं भी ट्राई ऑन करूंगी वही लगा दूंगी, ठीक है। तो उससे आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो इसका आप जरूर परचेज करिएगा, इसके बहुत सारे कलर्स है। चलिए है, ये स्ट्रेचेबल वाला है, इसको मैंने शायद अमेजोन से मंगाया था, मैं इसको कई बार पहन चुकी हूँ। ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लुक निकल के आता है, ब्लैक कलर में है, बैक में बिल्कुल लेस है, ठीक है, और यहाँ पे पैड भी लगे हुए, तो आपको अंदर कुछ भी पहनने के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और इसकी क्वालिटी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। तो आई थिंक मैंने इसको अमेजोन या मीशो से शायद लिया है, जिसका लिंक या जो कोड होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। बहुत ही ज्यादा सुंदर है, ठीक है। आई थिंक मैंने सारे ही मीशो से लिए, मैं सभी का लिंक दे दूंगी, वो कोड दे दूंगी, हाँ मैंने सारे के सारे मीशो से लिए। सो आप जो है इसको भी ट्राई कर सकते हैं, किसी भी ब्लैक साड़ी के साथ पहनो, किसी गोल्डन साड़ी के साथ पहनो, जिसके साथ आपको अच्छा लगे तो उसके साथ आप पहन सकते हो। बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, आप इसको एज अ क्रॉप टॉप भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसको एज अ ब्लाउज नहीं यूज करना है तो आप इसको एज अ क्रॉप टॉप यूज कर सकते हैं। ब्लाउज जो है मैंने अपने यहाँ टेलर से बनवाया था। अच्छा, मैं इसमें आपको क्या दिखाना चाह रही हूँ कि ब्लाउज तो सिंपल है, बट उसमें जो डिटेलिंग है, जैसे ये लेस हो गई, ठीक है, बाकी ये नीचे, तो अगर आप कोई भी ब्लाउज बनवाते हैं तो इन छोटे छोटे डिटेलिंग पे बहुत ही ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जिससे कि आपके ब्लाउज का जो लुक है वो बहुत ही अच्छा निकल के आएगा। इसमें भी बैक हुक है, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ।
ये देखिए इसमें जो है बैक हुक है, और इसका पता सबसे खूबसूरत पार्ट क्या है, ये मैंने टैसल्स जो है कपड़े के ही बनवाए हैं। आप अगर कपड़े के बनवाते हो ना तो आपको सोने में लेटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, अगर आप रेडीमेड लाते हो वो क्या होता है चुभते हैं, ये कोई चुभते नहीं है, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और दूसरी चीज जो है इससे ब्लाउज का लुक जो है वो बहुत ही सुंदर निकल के आता है। तो ये मेरे को आपको बताना था कि अगर आपको सिंपल दोनों तरफ गोल है गला, बस पीछे थोड़ा सा डीप है और फ्रंट में जो थोड़ा सा मतलब ऊपर था, क्योंकि मैं फ्रंट में ज्यादा डीप नहीं पहनती हूँ, तो इसलिए। बाकी आप ऐसा कुछ बनवा सकते हैं अगर आपको पसंद आए, आप टेसल्स का जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, बहुत ही सुंदर टेसल्स है, ठीक है, आप ऐसा कुछ बनवा सकते हैं। एंड एक मेरे पास ब्लाउज है जो मैंने बनवाया है, ये कुछ इस तरीके का ब्लाउज है, बिल्कुल सिंपल है, कोई पैड नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक है, इस तरीके के इसमें टेसल्स लगे हुए हैं। मेरा दिखाने का आपको बस ये था कि मैं इस साड़ी को, इस ब्लाउज को, मतलब मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं कितनी साड़ियों के साथ पहन चुकी हूँ, क्योंकि ये जो गोल्डन कलर है ना, जो हमारी साड़ियां होती है उसमें गोल्डन वर्क होता ही होता है ज्यादातर, मतलब मैं एक बात बता रही हूँ, ठीक है, जिसमें भी आपका गोल्डन वर्क है ये ब्लाउज आपका उसके साथ 100% जाएगा। मैं आपको यहाँ पे पिक्स लगा दूंगी कि मैंने इसको कितनी साड़ियों के साथ पेयर किया है, ठीक है, जो जितनी साड़ियों के साथ किया है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर लुक निकल के आता है। कि मैंने इसको स्लीवलेस बनवाया था, बाकी पीछे से बैक हुक ही रखा था मैंने, दो तीन यहाँ पे हुक लगवाए थे, बाकी इसका भी मेरे को ये बड़े पसंद है, ये मैं जब टेसल्स बनवाती हूँ ना मुझे बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। ये भी मैंने कपड़े से बनवाए हैं, कुछ चुभता नहीं है, कुछ नहीं, और ये मैं अपने भी सुजानपुर में सारे ब्लाउजेस बनवाए हैं। तो ये आप इस तरीके कुछ बनवा सकते हैं, इस तरीके का फैब्रिक लेके। अगर आपकी शादी होने वाली है तो आप ये ब्लाउजेस जरूर खरीद सकते हैं। क्या होता है ना कि ऐसे शादी में बहुत सारी साड़ियां आती हैं, ठीक है, सबके ब्लाउजेस नहीं बने होते हैं और हमें उनको पहनना होता है, क्योंकि शादी के बाद बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, या घर में भी जब हम जाते हैं ससुराल में तो अपना फर्स्ट डे सेकंड डे जितने दिन भी रुकते हैं साड़ी ही पहनते हैं। बट सबका होता है कि या तो आप ब्लाउज को पहले स्टिच करवा लो, बट ससुराल में जो शादी में साड़ियां आती हैं वो तो शादी वाले दिन ही आती है, तो उनका क्या होता है ब्लाउज नहीं स्टिच करवा पाते हैं। तो अगर आपको मुझे कोई साड़ी सुंदर लग रही है और आपको ब्लाउज की दिक्कत है तो आप ऐसी कुछ ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, रेड में, गोल्डन में, मल्टी कलर में, जो कि आपकी सारी साड़ियों के साथ जा सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपको ये कुछ पीसेस दिखाए, आई होप मैंने आपको जो ब्लाउज दिखाए वो आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।